तो गाइस हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को देखते रहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में कमेंट कर दीजिए और लाइक कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के लिए आप तो हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो लाइट मोशन से बना सकते हो। तो अपने मोबाइल की स्क्रीन से यहाँ से आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन के जो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हो उसके यहाँ से आपको ओपन कर लो, और यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो, और यहाँ से ना ऊपर छोला के सर सिलेक्ट करके यहाँ क्रिएट, तो क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। तो यहाँ से आपकी लाइट मोशन एप्लीकेशन की स्क्रीन हो आपको दिखाई देगी। वहाँ से आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है, वो मेन है, वहाँ से आपको जाके प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो, और यहाँ से आपको एक इमेज एंड वीडियो दिख रहा होगा, वो ऑप्शन ऊपर क्लिक करो, और यहाँ से आपको ऑप्शन ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ से आपको अनेक प्रकार का इमेज अपनी गैलरी खोल जाएगा, वहाँ से आपको यहाँ स्प्रे वाला ऑप्शन ऊपर क्लिक करो, और यहाँ इस इमेज को सिलेक्ट करो, और इसकी साइज आपको फुल करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको अच्छे से दिख रहा हो, वहाँ से आपको उसके जूम करके यहाँ से आपको इसकी साइज बढ़ा देते हो, तो यह आपको इसका अपने मोबाइल की पूरी स्क्रीन में दिखता है। इसलिए आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसकी साइज फुल कर लेता हूँ, और उसके बाद ओके कर लो। और यहाँ से जितना वीडियो बनाना है इतनी साइड आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ से आप मेरे को 13 सेकंड का वीडियो बनाना है, तो यहाँ से मैं 13 सेकंड की साइज कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना। तो दोस्तों यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से एड इफेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ अनेक प्रकार का इफेक्ट इफेक्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ हैंड शिफ्ट वाला इफेक्ट दिख रहा होगा, तो इस इफेक्ट तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करो, तो यहाँ से आपको इस यार दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको यहाँ प्लस वाले निशान पे दिख रही होगी, इस निशानी पे क्लिक करो, और इस वीडियो को लास्ट में ले जाओ, और लास्ट में स्क्रॉल करते करते इसको ले जाओ, और लास्ट में जाने के बाद थोड़ी सी गैस छोड़ के यहाँ से फिर से इस निशानी के प्लस वाले के उस पर क्लिक करो, और इसको आपको बैक आ जाओ। बैक आ जाने के बाद यहाँ से 2x कर लेना है, 2x हो जाएगा, तो यहाँ से 2x हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से इस निशानी पे क्लिक करने का, और इस निशानी को लास्ट में ले जाना है, और यहाँ से लास्ट में ले जाने के बाद इस, तो ऐसा करने से इस वीडियो का कलर चेंज होता रहता है, तो इसलिए इसको ऐसा करना होगा, प्लस और माइनस। तो इस तरह करने से आपको फिर तो ये कर लिया। अब यहाँ से आपको एक नेम लिखना होगा, तो यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन ऊपर क्लिक करो, तो यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कोई भी नेम लिख सकते हो, अपने गर्लफ्रेंड का, फ्रेंड का, या किसी का भी नाम यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं अपने दोनों फ्रेंड का एक एक अक्षर लेके यहाँ से मैं एक नाम लिख लेता हूँ। तो इस कोने में आपको दिख रहा होगा रेखा, वो रेखा को यहाँ से आपको क्लिक करो, तो यहाँ से अपना नाम बीच में आ जाएगा, और रोबोटिक्स रेगुलर पे क्लिक करो, तो यहाँ से रेगुलर पे क्लिक करने फिलेक्स एक्स गर्ल्स पे क्लिक करो, और यहाँ से इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाकर पेज फॉन्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी तरह आप करने के बाद यहाँ से आपको उसके साइज भी बढ़ा सकते हो, और साइज बढ़ाने के बाद इसको अच्छे से रख देना है। रखने के बाद यहाँ से कलर वाला ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो वहाँ से आपको क्लिक करो, और प्लस वाले आइकन से क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे अच्छा लगता है वाइट कलर, इसके बाद दिख रहा होगा तो ये कलर अच्छा लगेगा। तो इसे कई ऐसे करने से यहाँ से आपको इसकी साइज बढ़ा देनी है, तो इसके वीडियो की तरह इसके दोनों के साइज अच्छे से 13 सेकंड ही रहने देना है। बॉर्डर एंड शेडो पे क्लिक करो, तो यहाँ से बॉर्डर एंड शेडो पे क्लिक करो, और यहाँ से आपको इस बॉर्डर को चेंज करने है, तो यहाँ से इसको एनेबल करना पड़ेगा, और इसका भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते है, जैसा कलर रखना है वैसा कलर यहाँ से आपको इस बॉर्डर का भी रख सकते हो। तो यहाँ से आपको खाली जगह पे टच करो, और खाली जगह पे टच करने के बाद इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करो करना पड़ेगा। तो इसको क्लिक करो, एक बार इफेक्ट या डिफेक्ट दिख रहा है तो इसको क्लिक करो, और यहाँ अनेक प्रकार का इफेक्ट दिख रहा होगा, तो इसको यहाँ से एक इफेक्ट लेना है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ड्राइंग प्रोग्रेस को ले लो, और यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करो, तो यहाँ से ये दिख रहा होगा, वहाँ से आपको इसको भी इस तरह एंड दिख वाला ऑप्शन दिख रहा हो, तो इसको एंड कर दो, और यहाँ से आपको फिर से दोनों को साथ में कर लेना स्क्रॉल करते हो, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस वाले निशान पे क्लिक करो, और यहाँ लास्ट में ले जाओ। लास्ट में ले जाने के बाद फिर से यहाँ से प्लस और निशानी पे क्लिक करो, और यहाँ से आपको एंड वाले ऑप्शन पे दिख रहा हो उसको पहले की तरह उसी सबसे कर लो, यहाँ से इसी सबसे कर लेने
के बाद इसको बैक आ जाना, खाली जगह पे टच करो तो यहाँ से बैक आ जाइए। ये हो गया, अभी इमेज एंड वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस वाले निशान पे जाने के बाद इमेज एंड वीडियो पे क्लिक करो और इसको यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ले रखी है, वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो को आपको क्लिक करो और इस वीडियो को ले लो, और इस म्यूजिक वाले वीडियो को लेने के बाद इसको यहाँ से ब्लाइंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करो और यहाँ से लाइटिंग वाले ऑप्शन ऊपर क्लिक करो और यहाँ से स्क्रीन पे क्लिक करो तो उसका बैकग्राउंड हट जाएगा। तो इसी तरह इसको ओके कर दो और इसको फिर से यहाँ प्लस वाले निशाने की पे क्लिक करो। यहाँ से दूसरा भी एक म्यूजिक लेना पड़ेगा, तो यहाँ से दूसरा म्यूजिक लेने के बाद इसको भी यहाँ से ऐसा कर लेना। तो यहाँ से दूसरा एक 30 सेकंड का है तो इसको भी क्लिक कर लेते हो और इसको यहाँ प्लस वाले निशान पर क्लिक करो और यहाँ से ब्लाइंडिंग एंड ओपेसिटी पे कर दो और लाइटिंग पे दिख रहा है उस पर क्लिक करो और यहाँ स्क्रीन दिख रहा होगा तो इसको भी क्लिक करो तो यहाँ से उसका भी बैकग्राउंड हट जाएगा और इसको नीचे रख देना और नीचे की तरह अच्छे से दिख जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये वीडियो बन गया है। तो इसी तरह ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको म्यूजिक ऑडियो जोड़ना है तो आपको इस किसी भी सॉन्ग भी इसके साथ जोड़ सकते हो। तो आपको इस तो यहाँ से दूसरा भी एक इमेज सिलेक्ट कर लो तो इसके म्यूजिक इससे भी अच्छा दिख जाएगा। तो इसलिए यहाँ से आपको नीचे गैलरी में जाने के बाद यहाँ से आपको इस मूड वाला ऑप्शन को क्लिक करो और इसको इमेज को ऊपर रख लेना है। ऊपर रख लो तो इस तरह से अच्छा दिख जाएगा। तो ऊपर म्यूजिक वाला ऑप्शन यहाँ पर लेके ऊपर रख लिया, अब ओके कर दो। और इसे करने के बाद आपको एक म्यूजिक सिलेक्ट करना पड़ेगा और दोनों को सबको एक साथ में बजाने है। तो इसके लिए आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ऑडियो वाला दिख रहा होगा तो इस ऑडियो वाले ऑप्शन ऊपर क्लिक करो और यहाँ एक अनेक प्रकार का म्यूजिक सॉन्ग दिख रहा होगा तो यहाँ से एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करो तो प्लस वाले निशानी पर क्लिक करो तो वो आपको ऑडियो में वीडियो के साथ सेट हो जाएगा। तो इस वीडियो यहाँ से बन के वो तैयार हो चुका है। तो इस वीडियो को मैं बजा नहीं सकता क्योंकि यहाँ से मैं बजाऊंगा तो इस वीडियो को पे मुझे कॉपीराइट पे आ सकता है। तो यहाँ से इसको सेव कर लेना और अपनी गैलरी में या व्हाट्सएप या ट्विटर में यहाँ से आपको बजा सकते हो और डाल पे तक सकते हो। तो तीर वाले निशानी पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट वाले निशानी पे क्लिक करो तो यहाँ से नो थैंक्स पे क्लिक करो और कंटिन्यू पे क्लिक करो तो यहाँ से आपको गैलरी में ये सेव हो जाएगा। तो इसी तरह से ऐसा वीडियो बना सकते हो। तो अगर आपको भी ऐसा वीडियो बनाना है तो मुझे कमेंट में कर देना और मैं आपको बना के दे दूँगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट भी कर देना।